मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है, और बजट में क्या क्या उन्होंने घोषणाएं की है और घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी हैं। मूणत जी, आपसे जानना चाहेंगे जो बजट आज की जो घोषणाएं हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? इस बजट के अंदर जो जन घोषणा पत्र है, वो जन घोषणा पत्र के कोई वादे पूरे करने के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं। बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसमें किंतु परंतु कब क्यों कहां के शब्द जोड़ दी। किसान का 2 साल का बोनस नहीं मिला, आपने जन घोषणा पत्र में घोषणा कर दी, 4 साल बीत गए, 5 साल पूरा होने जा रहे हैं, उसमें बोनस नहीं मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के अंदर वही महत्वपूर्ण घोषणा ने की, आपने कह दी मीनू लाइट मेट्रो, लाइट कहाँ चलेगी, कहाँ से क्या चलेगी, उसका सर्वे क्या हुआ, उसका कितना बजट में प्रावधान है, कहीं कुछ नहीं। आप सरकारी कर्मचारियों को देने के वितरण भोगी कर्मचारी के उनको सबको सर्विस देने का वादा किया था, वो नहीं हुआ। पुलिस को कर्मचारियों को हफ्ते के अंदर एक दिन छुट्टी देने की बातचीत की थी, वो नहीं हुआ। यानी ओवरऑल बजट के अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने इस बजट के साथ निराशा का वातावरण निर्मित किया। कोई ऐसी घोषणा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आम जनता को, चाहे वह किसान की बात करूं, चाहे व्यापारी की बातचीत करूं, चाहे सरकारी कर्मचारी की बातचीत करूं, चाहे लाइन वाटर के ऊपर की बातचीत करूं, या राजधानी के विकास के डेवलपमेंट की दृष्टि से, ये रायपुर शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अन्य किसी, आपने कहा शारदा चौक का 10 करोड़ रुपये में क्या होगा, 48 करोड़ रुपये से ज्यादा तो उसका रहा आपको लैंड एक्विजिशन का पैसा लग रहा, तो क्या करेंगे आप? खाली घोषणा करना, घोषणा तो 3 बार पहले भी हो चुकी शारदा चौक चौड़ीकरण की, लेकिन पैसे का प्रावधान कहाँ है? राज्य में और अन्य स्थानों पर सड़क निर्माण को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणाएं की है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो बजट में जो उन्होंने जो पैसे का जो प्रावधान उसमें रखा है, क्या उतने राशि से सड़क निर्माण होना पॉसिबल है कि नहीं? जो 5 साल से इस प्रदेश की सड़कों की हालत जो बदतर हो गई, मेंटेनेंस के नाम का पैसा नहीं है। आज भी सड़क जो पीडब्ल्यूडी के बजटों में है उनकी स्वीकृतियां नहीं मिली, आज भी काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आज भी सरकार मेंटेनेंस नाम पे जीरो होकर के चली है, और 5,000 करोड़ रुपए का लोन सड़क विकास निगम लेने के बाद सड़कों की स्थिति ठीक नहीं कर पाई, यानी सरकार की सोच ही नहीं, भी कुछ हुआ ही नहीं। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के जो वादे हैं उसके अनुरूप में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवा के साथ राम कुमार नायक, TV24 रायपुर।